हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 1 सितंबर का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। टॉप 10 बुलेटिन रहेंगी, इसमें जो भी एक्स्ट्रा खबरें रहेंगी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। आज से ये स्टार्ट है, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट हम ये वीडियो कम्प्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला है बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे। तो वो लेखक थे, बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे, वो लेखक थे। रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, रोहित चमोली जो थे वो मुक्केबाज हैं। रोहित चमोली कौन है? रोहित चमोली मुक्केबाज है। इन्होंने एशियाई जूनियर चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, बीजू पटनायक पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा किसे प्रदान किया गया। तो बीजू पटनायक पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा अमित रोहिदास को दिया गया। बीजू पटनायक पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा किसे प्रदान किया गया, अमित रोहिदास को किया गया। अगला है, प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने। तो प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं, नेपाल के बने हैं। प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने, प्रभु शर्मा नेपाल के बने हैं। नेपाल में बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है प्रभु की, ऐसे याद कीजिएगा कि नेपाल के जो नए सेना प्रमुख बने हैं कौन, प्रभु शर्मा। टोक्यो पैरालंपिक, अभी टोक्यो पैरालंपिक चल रहा है उसमें भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता। हम एक टोक्यो पैरालंपिक पे एक पूरा का पूरा जो पूरा जितने लोगों ने भी पदक जीता होगा उनके बारे में एक अलग से वीडियो ला के पूरा करवा देंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। किस देश की कोर्ट ने 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित किया। तो चीन की कोर्ट थी, उसे 996 की जो ओवर टाइम प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया है, और चीन जो है ई कचरा उत्पादन में नंबर 1 है हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टजन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, मैक्स वर्स्टजन ने जीता है। किस राज्य के सीएम ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया, गोवा। किस राज्य के सीएम ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया, गोवा में। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट डे इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, जैसे आज वीडियो बना तो कल मैं इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग एक बार इसको खुद से भी राइट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता हर्षवर्धन श्रृंगला करेंगे। कौन करेंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है, किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है अमेजन ने। ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी किसने की है, अमेजन ने। मेरा वतन मेरा चमन उसायरा कहाँ आयोजित किया गया। मेरा वतन मेरा चमन उसायरा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मेरा वतन मेरा चमन उसायरा कहाँ आयोजित किया, नई दिल्ली में। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने गल्फ ऑफ एडेन में एक संयुक्त अभ्यास किया। तो भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने गल्फ और एडेन में एक संयुक्त अभ्यास किया। किस राज्य में महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई। महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत केरल में की गई। महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई, केरल में हुई। टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाज सिंहराज अधाना ने कौन सा मेडल जीता। सिंहराज अधाना एक निशानेबाज हैं और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च की है। बाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय ने लॉन्च की है। काम के दौरान जब तनाव हो जाता है तो शांति के लिए योगा किया जाए, मेडिटेशन किया जाए ब्रेक लेकर, तो इस उद्देश्य से ये बाई ब्रेक ऐप लॉन्च की गई है। किसने, आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, 31 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। 31 अगस्त को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है रमन सिंह उन्होंने कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। तो 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। तो जो न्यायाधीश रमन जी हैं उन्होंने किसको शपथ दिलाई है, उन्होंने 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है एक साथ, और इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। डेल स्टेन जिनको स्टेन गन बोलते हैं उनके शॉट को, तो डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो कहाँ के तेज स्पिन गेंदबाज हैं, दक्षिण अफ्रीका के। डेल स्टेन कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है।
जम्मू कश्मीर न्यायालय और लद्दाख न्यायालय का एक ही न्यायाधीश है, तो वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि जम्मू कश्मीर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल इसी टाइम उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स भी जो हमारा पहले था वो अब बहुत दिनों से नहीं आया है, वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर हम वीकली पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।